नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाई स्कूप में आप सबों का स्वागत है। बांग्लादेश संकट के बाद संथाल निशाने पर है। संथाल को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहां घुसपैठियों का आना पहले से ही एक बड़ा मुद्दा था, और अब ये जो जानकारी सामने आ रही है कि बॉर्डर के पास बड़ी संख्या में घुसपैठिए जमा है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब नशा खुरानी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो स्थानीय लोगों को नशा देकर उनके साथ एक तरह से कहा जा सकता है कि लव जिहाद और कई तरह शादी करने जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और इसे बाबूलाल मरांडी एक बड़ी समस्या बता रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, और वो लगातार सरकार पर भी इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार अभियान चल रहा है। हिमंता विश्व शर्मा जो आसाम के सीएम है, वो भी कुछ दिनों पहले संथाल गए थे, उनके काफिले को गोपीपुर जाने से रोका गया था, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल बीजेपी उठाने में कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से ठोस जवाब अभी तक इस मुद्दे पर नहीं आया है। हमारे साथ मदन है। मदन, बाबूलाल मरांडी ने फिर सवाल उठाया और उन्होंने कहा है कि नशा खुरानी गिरोह भी वहां सक्रिय हो गया है। देखिए, एक बड़ा आरोप फिर से बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के सरकार पर लगाया है। दरअसल आज बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है कि अब तक जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो सिर्फ संथाल में लव जिहाद कर रहे थे, जमीन जिहाद कर रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति बनी है ऐसे में आदिवासी युवाओं को नशाखोरी के गिरोह के तौर पर जो वहाँ सक्रिय है वो उनको उसकी चपेट में ले रहा है। तो अब ये बड़ा आरोप लगा है कि इसका संरक्षण जो है वो सरकार का मिल रहा है। ऐसे में जिस तरह से सदन में भी लगातार इस मामले को लेकर के आवाज़ उठाने का काम हम लोग किए, ऐसे में सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला, और उनके समर्थन में गोल गोल घुमाते हुए बातें जो है उन्होंने कह डाला। तो ऐसे में अब जो है फिर से एक बार सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है, और ये आरोप लगा है अब नशा खुरानी को लेकर के। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि संथाल को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है, खास करके जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इसको लेकर के सदन भी कई बार बाधित हुए इस मामले को लेकर के, सदन के बाहर भी, और जब से एक तरह से कहें तो बीजेपी के जो चुनाव सह प्रभारी बने हैं हेमंता विश्व शर्मा, वो लगातार इस विषय को टारगेट कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए एक तरह से कहें तो असम की जो समस्या है वो समस्या झारखंड में भी देखने को मिल रही है। ऐसे में जरूर असम सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन झारखंड सरकार को भी काम करने की ज़रूरत है। हालांकि सत्ता पक्ष के तरफ से लगातार ये विरोध भी होता हुआ दिख रहा है कि गृह मंत्रालय के अंदर ये चीज़ें आती है, गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी के नेता क्यों नहीं सवाल करते, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर है ये भी पूछना होगा। तो ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू है, लेकिन जो अब एक के बाद एक अटैक बीजेपी के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर के सरकार पर किया जा रहा है, ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार के तरफ से इस आरोप पर क्या जवाब आता है। तो लगातार आरोपों का सिलसिला चल रहा है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि बाबूलाल मरांडी ने जो नया एक मामला सामने लाया है और कहा है कि नशा खुरानी गिरोह, नशे के जरिए युवाओं की पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है, तो इस पर क्या कुछ आता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज बाई स्कूप। नमस्कार। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास, सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।